जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपको सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिल जाएगी, तो अब हमको अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए पढ़ना होगा। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसको पढ़ने के साथ साथ बुक से भी कीजिए, जिससे कि आपका बेस तो क्लियर होगा ही, साथ के साथ प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। जो भी क्लासेस आपकी कराई जाएं, उनको यहाँ कीजिए और साथ के साथ बुक में भी करते जाइए, क्योंकि इस बार हमको सिलेक्शन लेना है, हर हालत में लेना है। क्योंकि 5 साल बाद आपकी वैकेंसी आ रही है, क्या पता ये वैकेंसी फिर से कब देखने को मिले, है ना। कुछ लोगों की तो एज ही निकल जाएगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो सोचेंगे कि हमारा इस वैकेंसी में नहीं हुआ तो आगे कैसे हो जाएगा। तो बस कह रही हूँ कि इस बार अपनी मेहनत में लग जाइए, क्योंकि हर बार मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की हमारी क्लास, स्पेशल गणित संख्या पद्धति की क्लास 7 होने वाली है। 1 से लेकर 6 तक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, और मैं गारंटी लेती हूँ कि आज की क्लास आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ आने वाली है। बस एक बार वीडियो देख लेना, फिर आप कहोगे कि हाँ, आपने तो इतने अच्छे तरीके से समझा दिया, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैंने लिखा है ना, अब वर्दी दूर नहीं, तो अब वर्दी दूर नहीं है। ठीक है, और मैं भी अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे आप अपनी मेहनत में ढील डाल दें, लेकिन मैं अपनी मेहनत में ढील नहीं डालूंगी। चाहे मुझे रात में वीडियो बनानी पड़े, चाहे मुझे दिन में वीडियो बनानी पड़े, लेकिन मैं आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, और आप भी अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करना। ठीक है, जब सामने वाला इंसान आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप वो हो जो दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप अपने आप को किसी से कमजोर ना समझें। समझ गए ना, हमको तो बहुत सारे काम करने होते हैं, आपको एक दो काम करने होते हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो, ये हमारे सफलता बैच के अंतर्गत चल रहा है। हमारा एक खुद का बैच है, सफलता बैच, जो कि YouTube पे ही चल रहा है। ये हमारा सफलता बैच के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है, हमारे चैनल का नाम मिशन वर्दी है। तो देख लीजिए, आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, समझने की कोशिश करना। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 3/2। ठीक है, 3/2 समझने की कोशिश करेंगे, तभी ये चीज हमारे समझ आ पाएगी। अब आप कहोगे कि भाई, इसमें शेषफल तो हम निकाल लेंगे, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। अब आप सुन लीजिए, जो आपके शेषफल होते हैं, रिमाइंडर होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक रिमाइंडर आपका पॉजिटिव में आता है, धनात्मक में आता है, धनात्मक शेषफल, मतलब जो आपका धनात्मक में आता है वो नीचे से ऊपर हम भाग देते हैं, तब वो धनात्मक में आता है, पॉजिटिव रिमाइंडर में आता है, और जब हम ऊपर से नीचे भाग देते हैं तो वो आपका नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक शेषफल में आता है। ये कंडीशन तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हम समझा देते हैं। देख लीजिए, 2 का भाग दीजिए 3 में, 2 का भाग 3 में, 2 एकम 2, ठीक है, समझ गए ना। 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1, इसी को बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। अब आपने 2 का भाग 3 में दिया है ना, नीचे का भाग ऊपर में दिया है, तो ये जो शेषफल है ये किस में आ जाएगा, आपका प्लस में। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई, मुझे तो 3 का भाग देना है ना, तो आप 3 का भाग मत दो, आप यहीं पे क्या कर लो, 3 से बड़ी संख्या ले लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से बड़ी 4 हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो 4। अब ये कंडीशन आपकी नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन आपकी किस में जाएगी, नेगेटिव में, समझ गए ना। अब 4 में से 3 घटाओ तो -1 आ गया ना। ठीक है, समझ गए ना। अगर हम इसका भाग देंगे ज़्यादा बार,
समझ रहे हो ना। अगर हम इसका भाग, दो का भाग तीन से ज़्यादा बार देंगे तो वो संख्या हमारी नेगेटिव में जाएगी, तो ये वाला रिमाइंडर हमारा माइनस एक आ गया। एक और एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देती हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना, अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब देखो, आठ का भाग देंगे सत्रह में। देखो ऊपर वाली कंडीशन आपकी प्लस की आएगी, नीचे वाली माइनस की। तो निकाल लीजिए जिनको भी आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा उनको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आठ लिख लीजिए, फिर यहाँ सत्रह लिख लीजिए, ठीक है। आठ एकम आठ, आठ दुनी सोलह, ठीक है। पहले आपने कम वाली कंडीशन ले ली, सत्रह से कम वाली कंडीशन ले ली आपने पहले, आठ दुनी सोलह। यहाँ कितना बचा, सत्रह में से सोलह घटाओ एक बचा, तो यहाँ पर प्लस का एक आ गया, ठीक है। इतना तो समझते हैं आप। अब आप देख लीजिए, अब भाई आप कह रहे हो मुझे तो माइनस वाला देखना है, नीचे माइनस कैसे आए, तो बोला ना कि सत्रह से ज़्यादा संख्या ले लीजिए, सत्रह से ज़्यादा संख्या से अब आपको भाग देना है। तो देखो आठ का भाग दो, सत्रह से ज़्यादा संख्या आनी चाहिए। आठ एकम आठ, आठ दो नहीं सोलह, आठ थी चौबीस, लिख लो आठ थी चौबीस। अब चौबीस में से सत्रह घटाओ कितने बचे, माइनस के सात, ये हो गया आपका शेषफल। क्या आपको ये कंडीशन अच्छे तरीके से समझ आ रही है? बस नहीं समझ आ रहा तो एक और समझाती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये संख्या लिख ली है, ग्यारह का भाग दीजिए सोलह में, ग्यारह का भाग सोलह में, ठीक है। ग्यारह एकम ग्यारह, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। अब छः में से एक घटाइए, सोलह में से ग्यारह पूरा पूरा घट रहा है ना, ठीक है। पाँच आ गया, तो ये कंडीशन आपकी प्लस की आ गई, ठीक है। अब आप कहोगे मुझे तो ये कंडीशन लेके आनी है, तो मैंने आपसे बोला है कि सोलह से ज़्यादा वाली कंडीशन ले आइए, माइनस में आ जाएगा। तो ग्यारह दुनी बाईस आप लिख लीजिए। अब ये बाईस के आगे माइनस लगाए, बाईस बड़ा है, बाईस में से सोलह घटाइए माइनस छः, तो ये आपका माइनस छः आ गया। इतनी कंडीशन तो समझ आ गई। अब इसमें एक और कंडीशन का क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम देख लेते हैं। वो क्या कंडीशन है, वो आपकी ये कंडीशन है, जैसे कि 10 बट्टा 11। अभी तक तो बड़ी संख्या आ रही थी ऊपर, अब छोटी संख्या ऊपर आ गई, क्या करें, हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है, अब हम क्या करें। तो दिक्कत वाली कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब भी ऊपर छोटी संख्या आ जाए तो ये कंडीशन आपकी माइनस की बन जाएगी। अभी हम अंकों को नहीं लिख सकते, ये माइनस की और ये वाली कंडीशन प्लस की, क्योंकि 10 का भाग आप 11 में दोगे, 10 का भाग आप 11 में दोगे। वैसे कंडीशन ये होती है कि 11 का भाग हम 10 में देते हैं, लेकिन छोटी संख्या का आपको भाग देना है। तो देखो एक बचा, एक बचा, तो ये प्लस का हो गया। अब आप कहोगे कि भाई मुझे तो माइनस वाली कंडीशन लानी है, 10 का भाग आप 11 में दो, 10 एकम 10, 10 दुनी 20, माइनस 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर ऊपर संख्या आपकी प्लस की आती है तो ये कंडीशन प्लस की आती है, ऊपर संख्या ज़्यादा आती है तो ऊपर प्लस आता है, ऊपर संख्या कम आती है नीचे वाली संख्या से तो ये वाली कंडीशन आपकी माइनस की बन जाती है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों क्वेश्चन लिख देती हूँ आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन है, तीन गुणा चार, तीन गुणा चार, चलो चार नहीं, तीन गुणा पाँच बट्टे दो। इसमें पूछा है इसने रिमाइंडर, शेषफल। तो बताइए इसमें शेषफल क्या होगा। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो दूसरा तरीका है वो तरीका अपनाना है। एक तरीका तो आपका ये है कि इन दोनों का गुणा कर लीजिए। अभी तो आपकी संख्याएं छोटी छोटी हैं, तो आप गुणा आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तीन पाँच पंद्रह बट्टे दो, दो का भाग दीजिए, दो सत्ते चौदह, पंद्रह में से घटाइए चौदह एक, ये हो गया आपका शेषफल। शेषफल ही तो पूछा है उसने, रिमाइंडर ही तो पूछा है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, एक।
रिमाइंडर आपका एक हो गया, यही आपका आंसर है। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई हमको तो शॉर्ट ट्रिक से करना है, क्योंकि अभी क्या पता बड़ी संख्या आ गई, कब तक हम गुणा करते हुए डोलेंगे। तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोचते हो। अब तीन गुणा पाँच बट्टे दो, इस दो का भाग तीन में दीजिए, दो का भाग तीन में दीजिए, दो एकम दो, दो दूनी चार ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तीन में से दो घटाइए, एक शेषफल गुणा भाग देके शेषफल तो निकाल लोगे इस तरीके से, ठीक है। दो का भाग दीजिए पाँच में, दो दूनी चार, दो तीन छः ज़्यादा हो जाएगा, पाँच में से चार घटाओ एक, एक शेषफल, एक का गुणा एक में करो, एक एकम एक, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो देख लीजिए, इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को पेपर में मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं पूछा गया, क्वेश्चन दिया गया है, फिर इसने बोला है कि शेषफल बताइए, रिमाइंडर बताइए, तो आप बता दोगे। अब देखो, चार का नियम मैंने आपको बताया है, चार का नियम होता है जिन्होंने भी मेरे नियमों की संख्या नहीं पढ़ी वो पिछली क्लास में जाके नियमों की संख्या अवश्य पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि आप इस पूरी संख्या में भाग दोगे ना चार का, तो बहुत समय लगने वाला है। चार का नियम कहता है कि पीछे के दो अंकों को उठा लीजिए, पीछे के दो अंकों को उठा लीजिए, ठीक है। अब आप भाग दीजिए, चार का भाग पंद्रह में दीजिए, ऐसे करके आप दे सकते हो ना, क्या दिक्कत है। चार तिया बारह, पाँच में से चार गए, सॉरी पाँच में से दो गया तो तीन, हमको शेषफल से मतलब है। यहाँ पे आप कुछ लिखो मत लिखो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मतलब किससे है, शेष से, ठीक है। शेष कितना आया, तीन, ओके। अब आप कहोगे कि चार का भाग चौबीस में तो पूरा पूरा जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा, तो जीरो लिख दो, क्या दिक्कत है, जीरो। चार का भाग बत्तीस में पूरा पूरा जा रहा है, चार आठ बत्तीस, जीरो लिख दो, क्या दिक्कत है, जीरो। अब तीन का गुणा जीरो में हो रहा है, तो पूरी संख्या ही आपकी जीरो हो गई, हो गया आपका आंसर। ये रफ था, ठीक है, समझ गए ना। अब आप क्वेश्चन दो देखिए, क्वेश्चन दो ग्यारह का नियम सिखाया है, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट ग्यारह का भाग दीजिए, ठीक है। भाग आप ऐसे दे सकते हो, ग्यारह का भाग 158 में, ऐसे करके, लेकिन मैं यहीं से यहीं आपको दे दे रही हूँ भाग। ग्यारह एकम ग्यारह, आप पाँच में से एक गया चार बचा और 48 हो गए, 11 चौका 44, 48 में से 44 घटाइए चार शेष, या फिर आप इस तरीके से भाग दे लीजिए, जो भी शेष पल आए वो आप यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, 11 छक्के 66, कितना बचा शेष, 66 हो गया, दो बचा आपका शेष, गुणा 11 का भाग दीजिए, 11 एकम 11, यहाँ कितना बचा 8, ये 87 हो गए, 87 हो गए ना। अब आप कहोगे 11 7 77, यहाँ तो 10 बचा, यहाँ तो 10 बचा, लेकिन एक नियम भी तो मैंने कराया था आपको, ये कंडीशन बन रही है ना आपकी, 77/11। एक कंडीशन मैंने आपको कराई थी कि अगर 11 का भाग आप ज़्यादा बार देते हो तो संख्या आपकी माइनस में आ जाती है ना। 11 का भाग आप ज़्यादा बार दोगे तो आपकी संख्या किस में चली जाएगी, माइनस में, 11 8 88 जा तो रहा है ना। इसमें ये वाली कंडीशन भी आप लगा सकते हो, तो 88 में से 87 घटाइए माइनस एक, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस एक, तो आप इस कंडीशन को भी अपना सकते हो। 11 का भाग इसमें दीजिए, ऐसे करके तो दे सकते हो, 11 का भाग 197 में, 11 एकम 11 8 7। अब आप कहोगे 11 7 77, शेषफल फिर 10 आ रहा है ना, आपको वहाँ 10 लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप 87 से बड़ी संख्या ले लीजिए, 11 8 88, तो यहाँ इसमें से इसको घटाइए माइनस एक आ गया, तो मैंने माइनस का एक लिख दिया। अब गुणा 11 का भाग दीजिए 819 में, ये वाला तो ये क्वेश्चन था, समझ लेना, ठीक है, अब तो दिख रहा है, ठीक है। अब 11 का भाग आपको 819 में देना है, 11 का भाग 819 में, 11 7 77 कितना बचा, 4 9, 11 चौका 44 5,
तो आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सभी का गुणा करना है। 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40। लेकिन ये संख्या किस में आ रही है, माइनस में। अब आप क्या करोगे, और अभी भी आपको 11 का भाग देना है। ऐसा नहीं कि 11 की जो वैल्यू है आपने ख़त्म ही कर दी, 11 की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, ये लास्ट तक चलेगी। अभी कब तक चलेगी, जब तक आपकी संख्या छोटी से छोटी नहीं आ जाए, ठीक है। अब इसमें आप 11 का भाग दीजिए, 11 का भाग 40 में, 11 × 11 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44। तो आप कैसे कर सकते हो, 11 का भाग इससे ज़्यादा बार दे लीजिए, 11 × 4 = 44। अब ये संख्या आपकी किसकी हो गई, माइनस की। पहले से माइनस है और माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो गया। छोटी से छोटी संख्या बन गई ना, क्या दिक्कत है, हमको ऐसी तो संख्या बनानी है। तभी तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर संख्या, अब देखो आप 11 × 3 = 33 लिख लेते, यहाँ पे 33 लिख लेते तो 7 बचता। अब आप कहते कि माइनस का मेरा 7 बचा है, माइनस का 7 बचा है, क्योंकि सीधा सीधा तो आपका माइनस का ही बचता ना। आप 11 × 33 लिखते, माइनस का 7 बचता। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करते, अब इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता, जो हमारा माइनस 7 बचता, इस कंडीशन में ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, जो आपकी नीचे वाली संख्या होती है उसमें से आप माइनस 7 घटा देते तो फिर आपका आंसर 4 ही आ जाता। आप इस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रश्न को करना पसंद करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आप लोगों के सामने हैं। 8 का नियम भी मैं आपको करा चुकी हूँ, 9 का नियम भी आपको करा चुकी हूँ। 8 का नियम क्या कहता है देख लीजिए, ये पूरी संख्या दी गई है, इसमें शेष पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, ठीक है। इसमें भी आपको रिमाइंडर पूछा है, आज हम रिमाइंडर के क्वेश्चनों को फिनिश कर देंगे और अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो 8 का नियम कहता है आपका कि पीछे के 3 अंकों में 8 से भाग दीजिए, पीछे के 3 अंकों में 8 से भाग दीजिए। तो आप दे लोगे ना, भाग देके जो भी शेष वाला है उसको यहाँ रखना है। तो 458 में भाग दीजिए 8 का, 8 × 5 = 40, 8 × 48 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 5 = 8, 8 × 2 = 56, शेष कितना आ गया 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए आप प्लस। अब 531 में दीजिए भाग, 531 में भाग देना है आपको 8 का, 8 × 5 = 40, 8 × 48, 8 × 2 = 56 ज़्यादा हो जाएगा, 53 में से 48 घटाइए 5, 1, 8 × 48 कितना बचा 3। इस 3 को यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि प्लस लगा है ना, इस वजह से हमको ये सारी कंडीशन प्लस में लिखनी पड़ेंगी। फिर प्लस लगाइए, 543 का भाग दीजिए, 543 में भाग दीजिए 8 का, क्योंकि ये पूरी संख्या में 8 का भाग जा रहा है ना, ठीक है। 8 × 5 = 40, 8 × 48, 8 × 2 = 56 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से 8 घटाइए 6, 3। अब आप क्या करोगे, 8 × 2 = 56 क्या बचा, इधर 13 हो गया, 13 में से 6 घटाया आपने 7, ओके। अब आप 7 लिख लीजिए, बट्टे में अभी आपको 8 लिखना है, ये कंडीशन अभी अपनानी है 8 वाली। ये नहीं कि आपने भाग दे दिया तो 8 वाली कंडीशन ख़त्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 वाली कंडीशन जब तक चलेगी जब तक आपकी संख्या 8 से छोटी नहीं आ जाती, छोटी से छोटी नहीं आ जाती, ठीक है। 2 और 3 = 5, 5 और 7 = 12, 12 × 8। अब देखो 8 का भाग 12 में फिर जा रहा है ना, 8 × 8, 8 × 2 = 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 × 8 ऐसे करके कर सकते हो ना, 8 × 8, 12 में से 8 घटाइए 4, 4 हो गया आपका शेषफल, यही आंसर है, 4 रिमाइंडर हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। अब तो आपके प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 4, 9 का नियम मैंने बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए फिर उसमें 9 का भाग दीजिए, ठीक है, यही तो बताया था।
अब आप क्या करोगे, 5 और 4 11, 11 और 9 आपके कितने हो गए, 11 और 9 20, 20 और 4 24। ठीक है, गुणा, क्योंकि 9 का नियम कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ के आपको 9 का भाग देना है, अगर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये आपका 9 का नियम हो जाएगा। तो हमको तो वही शेषफल निकालना है, 9 का भाग देके जो भी संख्या बचेगी वो हमारा शेषफल है। ठीक है, अब इनको जोड़िए, 5 और 6 11, 11 और 9 आपके 20, 20 और 3 23, गुणा 3 और 5 8, 8 और 9 17 और 1 18 बट्टे 9। अब 9 का भाग दीजिए 24 में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 24 में से 18 घटाइए, क्या बचा, 24 में से 18 6 बचेगा। ठीक है, 6 शेष हो गया आपका, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 23 में से 18 घटाइए कितना बचा, 5, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में तो पूरा पूरा गया, शेषफल 0 है ना। अब इस पूरी संख्या का आप गुणा करोगे, 0 में किसी का भी गुणा करते हैं तो आपकी संख्या 0 ही बन जाती है, 0 हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है ना, इस पूरी संख्या में 7 से भाग दिया है, फिर आपका रिमाइंडर पूछा है, शेष पूछा है, इस पूरी संख्या में 15 से भाग दिया है, फिर आपका शेष पूछा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, 7 का भाग दीजिए इस पूरी संख्या में, 1998 में आपको 7 का भाग देना है, 7 दूनी 14, 9 में से 4 गया तो 5, 9 लिख लीजिए, 7 अट्टू 56, 9 में से 6 गया तो 3, 8 लिख लीजिए, 7 5 35, 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ पर क्या शेष आ गया आपका, 3। ठीक है, देखो अब आप खुद देख लो, 1998 है, फिर 1999, तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, 9 कर लीजिए, और जो आपने यहाँ पे 8 लिखा है यहाँ पे आप 9 लिख लीजिए, 7 5 35, 7 6 42 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 9 में से आपको 5 घटाना है, कितना बचा, 4, यहाँ 4 लिख लीजिए। अब 7 का भाग आप 2000 में दीजिए, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए तो 6 बचा, 0 लिखिए, 7 अट्टू 56, 4 0 लिखिए, 7 5 35, 5 आपका शेष बचा, 5 लिख लीजिए, बट्टे में अभी आपका 7 चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक 7 से कोई छोटी संख्या नहीं आ जाती तब तक हम 7 से भाग देंगे। ठीक है, समझ गए, देखो 5 और 20, 20 दिया 60, 60 में भाग दीजिए 7 से, 7 अट्टू 56, 60 में से 56 घटाइए, 4 हो गया आपका शेष। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, ओके। अब हम क्वेश्चन 6 कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 6, 137 में भाग देना है 15 से, तो लिख लीजिए 15 का भाग दीजिए 137 में, 15 निम्न 135, ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2, हमको इससे मतलब है, यहाँ पे संख्या लिखो मत लिखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन हमें मतलब किससे है, शेष से, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2। अब लगाए गुणा, 15 का भाग दीजिए 71 में, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, देख लीजिए 15 का भाग आप 71 में दे रहे हैं, 71 से कम बार दीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दी 45, 15 चौका 60, 15 75, 75 ज़्यादा हो गए, 15 चौका 60, 71 में से 60 घटाइए 11। अगर कभी भी यहाँ 2 अंक आए 1 2, तो इसमें इस तरीके से आपको भाग नहीं देना, इसमें इस तरीके से आपको भाग नहीं देना, किस तरीके से देना है, अब आप 71 से ज़्यादा बार जो संख्या आ रही है उसको ले लीजिए, भले ही हमारा घटा के माइनस में आ जाए, लेकिन एक अंक की आपकी संख्या बननी चाहिए, तो 15 75, 75 में से 71 घटाइए -4, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको इस कंडीशन को समझा चुकी हूँ, तो -4 गुणा 15 का भाग दीजिए 77 में, 15 का भाग 77 में,
पन्ना 75, ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2, ये प्लस का ही आएगा क्योंकि 77 में से 75 घटा रहे हैं हम। 2 गुणा 15 का भाग दीजिए 93 में, 15 छक्के 90, 3 बचा 3, अभी भी बट्टे में आपका 15 चलेगा। गुणा कीजिए 3 दुनी 6, 6 चौक 24, 24 दुनी 48, माइनस 48 बट्टे 15। और एक चीज़ मेरी आप समझ लीजिए, कभी भी आपका जो शेषफल आएगा वो माइनस में नहीं आएगा। तो आप कह रहे होंगे कि ये फिर संख्या आपने माइनस में क्यों रख दी, बताती हूँ। देख लो, 15 का भाग आप 2 किस में, 15 का भाग आप 48 में दोगे, 15 दिया 45, 8 में से 5 गया तो 3, अब यहाँ माइनस 3 आ रहा है तो परेशान क्यों हो रहे हो, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर माइनस की कोई संख्या आ रही है तो परेशान मत हो, जो भी संख्या से हम भाग देते हैं, जो भी संख्या से हम भाग देते हैं उसको यहाँ लिख लो, और जो संख्या माइनस की आ रही है उसमें से घटा दो। 15 में से 13 गया तो 12, इसका आंसर हो गया 12। अब इस रूल को आप हर प्रश्न में अपनाना, जब भी संख्या आपकी माइनस की बने तो आपको डायरेक्ट जिससे आप भाग दे रहे हो उसमें से उस संख्या को घटा दो। जैसा कि आप क्वेश्चन 7 देख पा रहे हैं, कुछ लोग तो क्वेश्चन को देख के डर गए होंगे, लेकिन डरना थोड़ी ना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये प्रश्न दिया गया है, इसमें 1000 से भाग दिया जा रहा है, तो फिर इसने रिमाइंडर पूछा है, शेष पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए, 1000 का भाग दो इसमें, और मैंने आपसे बोला था कि आपकी संख्या एक अंक की शेष आनी चाहिए, चाहे वो प्लस में आ रही है चाहे वो माइनस में आ रही है, ठीक है। कैसे एक अंक की आएगी बता देते हैं, अगर 2 अंक की भी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। 1000 का भाग इस पूरी संख्या में आप दोगे, 1000 का भाग आपको देना है इसमें, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 8 बार दोगे तो 8000 आएगा, 991 आपका शेष आ रहा है, ठीक है, यही कंडीशन आ रही है ना। लेकिन आप 9 बार दे लीजिए, क्या पता 991 से भी छोटी संख्या आ जाए, 9000 हो गया ये, ठीक है, 9000। ओके, 9000 में से आपको ये संख्या घटानी है, 9000 में से इसको घटाइए, 9 मतलब कि माइनस का 9, कितनी छोटी संख्या हो गई, हमने भले ही इससे बड़ी संख्या से भाग दे दिया लेकिन हमारा घटा के बहुत छोटा आ गया ना, माइनस 9। तो आप यहाँ पे माइनस 9 रख लीजिए, गुणा अब 3002 में आप, 3002 में आप भाग दीजिए 1000 का, 1000 का गुणा 3 में कीजिए 3000, तो यहाँ पे 3002 में से 3000 घटाइए, 2 बचा, कितना छोटा सा बचा है, ठीक है ले लेते हैं, गुणा अब आपको भाग देना है इस संख्या में, ठीक है। 5989 का भाग आप दीजिए 1000 से, तो देखो यहाँ 5000 लोगे आप तो ये संख्या आपकी ये बचेगी, तो आप इससे ज़्यादा बार संख्या से भाग दे दीजिए, छोटी संख्या बच जाएगी, है ना। तो आप गुणा 6 कर लीजिए, 6000। अब आप क्या करोगे, 6000 में से इस संख्या को घटा दीजिए, 6000 लिख लो, और 5989 कैसे घटाओगे, एक हासिल ले लो, एक बचा, अब यहाँ भी एक हासिल हो गई, एक बचा 9 और यहाँ 5, ठीक है, मतलब माइनस का 11, माइनस का 11। अब मैं इस चीज़ को रफ़ कर देती हूँ जिससे मुझे यहाँ लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे माइनस 11, इस चीज़ को मैं कर रही हूँ रफ़, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1000 का भाग देना है इस संख्या में, 1000 का भाग दीजिए 6999 में। आप कहोगे कि 6 बार 6000 आ रहा है, 1000 का गुणा 6 में किया दो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि एक संख्या ज़्यादा से गुणा कर लीजिए, 7000 हो जाएगा, और 7000 में से 6999 घटा दो तो माइनस का 1 बचा, कितना बचा, माइनस का 1। अब आपको 7007 में भाग देना है 1000 का, तो ये पूरा पूरा गया, क्या बचा शेष, 0, कहानी ख़त्म।
कहानी, सॉरी भाई 7007 है, 7000 लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो 7007, जीरो नहीं बचेगा अब, 7007 में से आप 7000 घटाइए 7, ठीक है, यहाँ कंडीशन 7 आ गई। अब बट्टे में 1000 आप लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, ये चीज़ तो आपकी रफ है, ओके, भाग आप दे लीजिए। अगर भाग देके कोई भी संख्या आपकी, जैसे आप इससे कम रख रहे हो, घटा के आपकी संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप नीचे वाली संख्या को ज़्यादा ले लीजिए, फिर आपकी संख्या कम आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 9 दुनी 18, 18 का गुणा आपको करना है 11 7 77, 77 गुणा 18, 8 7 56, 8 7 56, और आपका हासिल 5 थी 61 गुणा 77, 6 8 13, यही तो संख्या आ रही है आपकी, यही तो संख्या आ रही है 1386। लेकिन एक मैटर और है, वो क्या मैटर है, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस यहाँ तक प्लस हो गया, ठीक है, लेकिन ये माइनस भी तो बचा है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए आप। अब आपको क्या करना है, 1000 का भाग देना है इस संख्या में, 1000 का भाग हम इस संख्या में दे देंगे, तो क्या आएगा हमारा, माइनस के 386 बचेगा। आप भाग देकर देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भाग दे लीजिए, माइनस का 386 आपका बचेगा। अब मैंने आपको बोला था कि अगर माइनस की कोई कंडीशन आ जाती है, अगर माइनस की कोई कंडीशन आ जाती है, तो हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसमें से घटा देते हैं। 1000 में से माइनस के 386 आप कर लीजिए, कितना बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे आपका 9 हो गया, 9 में से 3 गया तो 6, 614 हो गया आपका शेषफल, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ठीक है, हाँ जी, तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन 8 फैक्टोरियल वाला प्रश्न है, ठीक है, फैक्टोरियल वाला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि बताइए शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या है। तो देखो फैक्टोरियल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ये वाला जो चिन्ह है ये फैक्टोरियल का है, और एक चिन्ह और होता है फैक्टोरियल का एल टाइप का, ये दो चिन्ह आपके फैक्टोरियल के होते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये चिन्ह आपका फैक्टोरियल का है, ठीक है, 1 2 3 फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1, 2 एकम 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 3 6, फैक्टोरियल 4। अब पता है ये संख्या आपकी कहाँ तक जा रही है, डैश 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 880 तक, तो फैक्टोरियल 4 का 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 2 24, फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 520, 20 3 60, 60 2 120, फैक्टोरियल 6 का मान 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, देखो 6 5 30, 6 5 30, 30 का गुणा 4 में करो 120, 120 दिया 360, 360 2 720, ठीक है, फैक्टोरियल 6 तक मान मैंने आपको निकाल कर दिखा दिए, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। अगर कभी भी फैक्टोरियल वाली कंडीशन दी गई हो तो 5 तक तो आप फैक्टोरियल निकाल लीजिए, साथ के साथ 5 के बाद जो संख्या है 6, उसका भी आपको फैक्टोरियल निकालना है, क्योंकि यहाँ से हमें चीज़ों का पता लगने लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1, ये वाला चिन्ह भी आपका फैक्टोरियल का है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों चिन्ह मैंने लिख दिए हैं, ये भी फैक्टोरियल का है, ये भी फैक्टोरियल का है। फैक्टोरियल 1 का मान ये है, फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 5 का मान, फैक्टोरियल 6 का मान, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6,
फैक्टोरियल 4 का 24, फैक्टोरियल 5 का 120, फैक्टोरियल 6 का 720, ठीक है, इस पूरी संख्या में, और साथ में डैश 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 इसका भी मान है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो बट्टे में 120 भी है। अब आप बोलोगे कि भाई 120 से कम 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, और 120 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ से इस पल आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी कम संख्या है उनको आप जोड़ लीजिए, 24 और 6 30, और 2 32 और 1 33। देखो ये 1 का मान, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, 5, 5 का मान, 6 का मान, आगे 7 का, 8 का, डैश 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 880 तक मान चलेंगे। अब 120 का भाग आप 120 में दीजिए तो आपको शेषफल की वैल्यू पता लग जाएगी। शेषफल क्या बचा? कुछ भी नहीं, 0, तो प्लस में 0 प्लस। 720 में दीजिए आप 120 का भाग, 12 6 72 पूरा पूरा गया, यहाँ भी कुछ भी शेषफल नहीं है तो 0। अब आप एक कंडीशन समझ रहे हैं कि 5 के बाद से आपका शेषफल 0 बनना स्टार्ट हो गया। आप फैक्टोरियल 7 का मान निकालना, फिर उसमें आप 120 का भाग देना, तो वो भी आपका 0 बनेगा। यकीन नहीं होता तो कर लेना। फैक्टोरियल 8 का मान निकालोगे ना आप डैश डैश डैश, तो उसमें भी आपकी जो शेषफल वाली वैल्यू बचेगी ना 120 का भाग देके, वो भी 0 आएगी, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना कि आगे आपका क्या आने वाला है, शेषफल 0। यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि आगे आपका शेषफल 0 बनेगा। अब आपको क्या करना है, 33। 33, अब 33 तो 120 से बहुत कम है, तो 33 हो गया आपका शेषफल। ऐसा भी नहीं है कि ये संख्या माइनस में हो, अगर माइनस में ये संख्या होती तो हम 120 में से 33 घटा देते, हमारी प्लस में संख्या है तो हमारा यही आंसर है। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 को देख पा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10। अब आप सोच रहे हैं भाई पावर का मैटर आ गया, क्या करें, तो परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इन नोट पॉइंट्सों को आप अभी नहीं देखोगे, अगर आप अभी देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, अभी नहीं देखना। क्वेश्चन 10 में हम नोट पॉइंट देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 9 हमारा सिंपल है। क्यों सिंपल है वो भी बताती हूँ, क्योंकि 60 का भाग 61 में जा रहा है। देखो ऐसे करके आप भाग दे सकते हो, 60 का भाग, अभी आपको पावर से मतलब नहीं है, 60 का भाग आप 61 में दीजिए, 60 एकम 60, शेषफल 1, ठीक है, प्लस में आ रहा है ना, ये वाली संख्या आपकी प्लस में आ रही है, 61 में से 60 गया तो आपका 1 बचा। अब आपकी जो पावर है 137 है, 137 है, ठीक है, समझ गए ना। ये मैंने भाग दिया है तो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, 1 की पावर 137। अब आप इसको क्या लिखोगे, 1 × 1 × 1 × 1 डैश 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 137 बार 1। तो ऐसा आपको नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, अगर ये संख्या आपकी 1 प्लस की है, चाहे घात आपकी सम हो या विषम हो, आंसर आप 1 लिख दोगे अगर ये संख्या आपकी प्लस की है तो, ठीक है, घात चाहे आपकी सम हो या विषम हो, क्योंकि 1 का गुणा एक बार कितनी भी बार कर लेना 1 ही आना है, ठीक है। देखो करके देखो, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1, है ना, समझ गए ना। अगर ये संख्या आपकी माइनस होती है ना, तो फिर हमको ये रूल अपनाना पड़ेगा। कैसे, देखो पहले इस चीज़ को करने की कोशिश करो, 93 का भाग दीजिए 92 में, जा रहा है नहीं जा रहा, तो आप क्या करोगे, 92 से ज़्यादा बार दे दो, ठीक है, यही तो सिखाया है मैंने, क्या बचा, -1। अब ये संख्या आपकी -1 की हो गई, ये प्लस की थी तो कोई झंझट नहीं था, अब ये संख्या माइनस की हो गई और घात 130 है। अब नियमों की तरफ चलो आप, अब आप चलोगे नियमों की तरफ, अगर पावर विषम है, अगर पावर विषम है तो माइनस आएगा, ठीक है, अगर पावर सम है तो प्लस में आंसर आएगा। तो देख लीजिए, देख लीजिए पावर आपकी किस में है, सम में है,
पावर आपकी सम है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस का, प्लस का एक हो गया आपका आंसर। इसका रीज़न भी आपको बताती हूँ, जैसे माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, डैश 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 130 बार आप कीजिए। तो देखो एक एकम एक, माइनस माइनस प्लस, है ना, एक एकम एक, माइनस माइनस प्लस, ये कंडीशन आपकी प्लस में हो जाती है। इस वजह से ये रूल आपको बता दिया गया है कि अगर पावर आपकी सम में है तो आंसर आपका सम में आएगा, अगर आपकी पावर विषम में है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। अब यहाँ पर होता आपका 131, मान लो यहाँ पावर 131 होती तो आपकी जो पावर थी वो विषम हो जाती, तो आपका आंसर किस में जाता? माइनस में, माइनस का एक हो जाता। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। अगर ये यहाँ पे प्लस में है तो पावर चाहे सम हो या विषम हो, ये तो प्लस में ही आना है। ठीक साथियों, अब आप अपना क्वेश्चन 11 देख लीजिए। क्वेश्चन 11 पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि 21 की घात 200, 21 की घात 200 को 22 से विभाजित किया जाता है, 22 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल पूछा है, तो आप क्या करोगे? 22 और 21 छोटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बड़ी संख्या तो आएगी भाग देके, 22 एकम 22, क्या दिक्कत है? 22 में से 21 घटाओ, माइनस एक, माइनस एक। और अभी मैंने आपको दो नियम लिखाए थे कि अगर यहाँ पर माइनस है तो वो दो नियम आपके काम करेंगे, कि अगर माइनस की संख्या आ रही है ना, और पावर के रूप में आपका सम है, तो आपका आंसर सम में आएगा, एक हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वेश्चन 12 देख के घबरा गए कि भाई ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, लेकिन परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग से किए जा सकते हैं। ठीक है, आपको समझने की कोशिश करनी होगी इन प्रश्नों को, और जो पेपर में एग्जामिनर होता है वो भी इन प्रश्नों को ऐसे देता है कि आप कर लोगे। ठीक है, अब आप कहोगे 7 की घात 84 है, 7 की घात 84 है, बट्टे में 742, तो हम क्या करें भाई? 7 तो बहुत कम हो गया 742 से, तो कोई दिक्कत नहीं, घात तो है, घातों को तोड़ लो। अब जैसे कि 7 की घात 1 है, 84 एकम 84, ऐसे लिख सकते हैं। 7 की घात 2 को कैसे लिखोगे? 2 का भाग दीजिए इसमें 42, 42 दुनी 84, ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक है, अब देखो 7 का वर्ग 49, 49 की घात 42, लेकिन 49 भी 742 से बहुत कम है, 7 की घात 3 कीजिए 3, अब 3 का भाग आपको देना पड़ेगा इस संख्या में, जो भी घात होती है जो हम लेते हैं उसका भाग उसमें दे देते हैं, 3 का भाग दीजिए 3 दुनी 6 63 24। अब देखो 7 का आपको करना है घन, गुणा कीजिए 343 आ जाएगा गुणा करके। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए, गुणा करके आपका कितना आ जाएगा? 343। एक बात मेरी सुन लीजिए, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो 342 है, कितनी है? 342 है। ठीक है, गलती से मेरे से 742 हो गया है, यहाँ पे वैल्यू आपकी 342 है। ठीक है, अब देखो यहाँ 343 आ रहा है, यहाँ 342 है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम इसको इस रूप में लिख देते हैं, 7 की घात 3 की घात 28 बट्टे 342। अब देखो हमने गुणा किया तो 343 आया, 343 की घात 28 बट्टे 342। अब भाग आप कैसे दोगे? 342 का भाग दीजिए 343 में, तो 342 एकम 342 आ, एक बचा। अब 1 की घात क्या है? 28। अब ये प्लस में है, चाहे घात प्लस की हो या माइनस की हो, है ना, सॉरी, चाहे घात आपकी सम हो या विषम हो, अगर ये प्लस में है
तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा, एक हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए? अब तो क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 आसानी से हो जाएंगे, इतने सारे प्रश्न आपको करा चुकी हूँ, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो देख लीजिए क्वेश्चन 13, 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताइए, बता देंगे ना। तो देखो भाग दो 67 में, अब आप कहोगे कि 67 तो 68 से कम है, तो ज़्यादा बार दे दो, क्या दिक्कत है, माइनस एक बच जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, माइनस एक की घात 67। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें भाग दोगे 68 से तो माइनस एक ही आएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आपको कौन सा नियम अपनाना है। देखो माइनस यहाँ पे है, अगर माइनस एक बनता है तो मैंने आपको दो नियम लिखाए थे कि अगर घात आपकी सम हो तो आंसर आपका प्लस में आता है, घात आपकी विषम हो, ये विषम है, ठीक है, घात आपकी विषम हो तो आंसर आपका माइनस में आता है। प्लस और माइनस, माइनस एक, माइनस दो, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो आपका शेषफल होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता, तो आप जिससे भाग दे रहे हो ना उसमें से घटा दो। ये तो भाई मैं शुरुआत से बताती आ रही हूँ, जो संख्या आई है उसको घटा दो, 68 में से दो घटाओ कितने 66, यही हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 14, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना आपको, आपको 5 से बहुत कम संख्या बना लेनी है ऊपर वाली, ठीक है, या तो आप ज़्यादा बना लीजिए उसको या आप कम बना लीजिए, लेकिन 5 से ऐसी संख्या बननी चाहिए जहाँ भाग देके या तो माइनस एक आना चाहिए या भाग देकर प्लस का एक आना चाहिए। तो आप देख लीजिए क्या करोगे, 3, 5 का भाग दे रहे हो आप 3 में, तो शेषफल तो आपका 2 बच रहा है, लेकिन मैंने आपको कंडीशन क्या बताई है कि या तो आपको माइनस एक बनाना है या माइनस दो बनाना है, तो 3 की घात 21 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 की घात 1, 21 एकम 21 आ, 3 की घात 2 को क्या लिखूँगी मैं, देखो 2 का भाग दीजिए 21 में, 10 दुनी 20, लेकिन 1 और 3 आपका बच गया है तो आप 3 की घात 1 ऐसे लिख लीजिए, 10 दुनी 20 और 1 21, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, तो देखो 3 का वर्ग 9, 9 की घात 10, ये गुणा 3, देखो 5, 5 का भाग आप दीजिए 9 में, 5 एकम 5, आप कहोगे 4 से शेषफल बच रहा है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ज़्यादा बार भी तो भाग दे सकते हो ना, 5 तो नहीं 10, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इस पूरी संख्या को यहाँ लिखिए, अभी 3 की घात 2, 10, 3 की घात 1, ठीक है, बट्टे में 5। अब आपको करना क्या है, 3 का वर्ग 9, 9 की घात 10, गुणा 3 बट्टे 5, 5 का भाग दीजिए 9 में, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, माइनस 10 में से 9 घटाइए माइनस 1, बोला था ना या तो प्लस का एक बच जाए या आपका माइनस का बच जाए, यहाँ से चीज़ें आपकी बहुत सिंपल हो जाती हैं। ठीक है, तो माइनस एक की घात 10, क्योंकि इसमें तो इसका भाग दे दिया, और ये 3 बट्टे 5, चलो बट्टे में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने भाग दे दिया, इसमें हमने भाग दिया तो शेषफल कम से कम बना लिया और इसका भाग इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, समझ गए ना। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ माइनस लगा हो, घात आपकी सम है, घात आपकी सम है तो एक आपका प्लस का आ जाएगा, गुणा 3, 3 एकम 3, 3 हो गया आपका
सेज। यही हो गया आपका आंसर। इस चीज़ को समझने की अच्छी तरीके से कोशिश कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बनने लगता है, ठीक है। और कोशिश करना कि ये वाला जो सेज है, या तो ये प्लस का एक आ जाए या ये माइनस का एक आ जाए। और एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन ऐसा देता है कि ये या तो प्लस का ही आएगा या माइनस का ही आएगा। आप ये मत कहना कि भाई हम एक ना लेकर शेष दो कर देते हैं, चार कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन 15 देख पा रहे हैं। अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है तो बहुत ही सोच समझ के दिया है, और कंडीशन आपकी प्लस एक माइनस एक शेषफल के रूप में आनी है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। दो आपका जो दो है, दो की घात क्या है 331, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, दो की घात 331, ठीक है। दो की घात आप एक रखोगे और 331 में आप गुणा करोगे तो आपका दो की घात 331 ही आएगा। अब आप क्या करोगे, दो का वर्ग, वर्ग के रूप में भी अगर आप संख्या को निकालोगे तो चार आएगा, लेकिन हमको 63 से या तो ऐसी संख्या लेनी है जो घटा के आपका शेषफल एक आ जाए, माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, ठीक है। तो चार तो बहुत कम हो गई, आप ऐसे भी सोच सकते हो, दो की घात 3, 8, ये भी कम है, दो की घात 4, 16, ये भी कम है, इससे कम देखना है आपको, दो की घात 5, 32, ये भी कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप क्या कर रही हो, हमको नहीं समझ आ रहा। तो देखो, दो की घात 5 बार लिख लीजिए, 2×2×2×2×2, 1, 2, 3, 4, 5, 2×4, 2×8, 2×16, 2×32, 2×6, 2×2×2×2×2×2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2×4, 2×8, 2×16, 2×32, 2×64, 63, 64, 1 का ही तो अंतर है, ठीक है, बन गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं। तो देखो, 2×6 से बनाए ना ये, 2×6, अब आप 6 का भाग दीजिए 330 में, सॉरी 331 में 6 का भाग दीजिए, 6×5=30, 3×1=6×5=30, यहाँ पे एक बचा है। ये पावर का मैटर चल रहा है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे 6 लिया है और इससे मतलब होगा 6×5=30, 6×5=30, तो यहाँ पे 55 पावर हो गई, ठीक है। और आपका 2×1 बचा है अभी। अब आप कहोगे क्या कर दिया, हमको समझ नहीं आया। देखो भाई, यहाँ तक तो समझ आया। अब देखो, 55 का गुणा आप कीजिए इसमें 6 में, 55 का गुणा 6 में कीजिए, 330 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 331, और 2×1 330 और 1 31, ठीक है। अब आप बट्टे में 63 लिख लीजिए, ये हमको निकालना पड़ेगा, जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2×6 का मान कितना आ गया, 64, 64, 2×1 का मान 2, 63, इसका मतलब क्या है, गुणा, और 64 की घात भी कितनी है, 55 है। इन चीज़ों को बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और ये बट्टे में यहाँ पे 63 है। अब तो चीज़ें समझ आ रही हैं अच्छे से। अब आप क्या करोगे, 63 का भाग दो 64 में, ऐसे करके भाग दे सकते हो, कितने अच्छे तरीके से सिखाया है आपको एक बार, ठीक है। और 64 में से 63 गया, प्लस का एक बचा, प्लस का एक बचा, 1×55 गुणा 2। अब देखो, ये प्लस का है, घात चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये तो एक ही आएगा, 1×2, 2×1=2, 2 हो गया आपका शेषफल, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, समझ आ गया ना, 2 हो गया आपका आंसर।
तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के फॉर्म 1 सितंबर से आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। बेहतर तरीके से तैयारी आपको करनी है। इस बार आपको ये किसी से भी नहीं बोलना कि हम 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए, ठीक है। इस बार बस सिलेक्शन ले लो हर हालत में। जैसा कि बता दूँ, मैथ, रीजनिंग, GS, हिंदी, कंप्यूटर। दिल्ली पुलिस का सिलेबस आपका मैथ, रीजनिंग, GS और कंप्यूटर है। और यही बात कर लेते हैं यूपी पुलिस के सिलेबस की। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS, ये यूपी पुलिस का है और ये आपका दिल्ली पुलिस का है, ठीक है। समझ गए ना, मतलब काफ़ी हद तक जो आपकी चीज़ें हैं ना सेम है। आपको दिल्ली पुलिस में किस चीज़ पर ज़्यादा मेहनत करनी है, GS में स्टैटिक पर मेहनत ज़्यादा कीजिए और आप करंट अफेयर पर मेहनत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जो आपका सिलेक्शन कराएगी ना वो GS ही कराएगी, क्योंकि GS आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। GS के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यूपी पुलिस में सिलेक्शन आपका रीजनिंग कराएगी, क्योंकि रीजनिंग में पिछली बार 41,520 जो वैकेंसी आई थी और 49,568 वाली जो वैकेंसी आई थी, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके देखे गए थे 56, है ना, 56 आपके प्रश्न देखे गए थे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग आपका सिलेक्शन कराएगी। रीजनिंग, हिंदी के यूपी पुलिस कांस्टेबल में 37 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी पे अपनी पकड़ इस तरीके से मजबूत बना लीजिए, इस कदर मजबूत बना लीजिए। 2 सब्जेक्ट आपके हो गए अच्छे, देखो 56 और 37 कितने हो गए आपके, ये हो गए 93, ठीक है, सही से जोड़ा है ना मैंने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ। मैथ के 19 क्वेश्चन देखे गए थे यूपी पुलिस में, 19 जोड़िए 112 यहाँ हो गए। अब बात कर लेते हैं GS के 38 क्वेश्चन, देखो 112 क्वेश्चन तो आपके यही हैं हिंदी, मैथ और रीजनिंग के। 112 में से अगर आप 100 प्रश्न भी यहाँ सही करते हैं, और 2 का गुणा इस वजह से किया है क्योंकि एक प्रश्न आपका 2 अंक का है, तो 200 अंक तो आपके यही हो गए, ठीक है। लड़कियों का सिलेक्शन तो यही हो गया, SC ST मेल फीमेल का यहाँ सिलेक्शन हो गया। जनरल में जो भी गर्ल्स हैं उनका सिलेक्शन यही हो गया। OBC में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका सिलेक्शन भी यही हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। अब बात आती है कि मेल जो जनरल में है और OBC में है, भाई मेल को तो पढ़नी पड़ेगी GS, जिसमें आपको यूपी जीके को अच्छा करना है। यूपी जीके के साथ साथ पॉलिटी अच्छी कीजिए और मुझे इतना विश्वास है कि आप 25 क्वेश्चन आसानी से कराओगे, ठीक है। तो 25 दुनी 50, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि कुछ तो नेगेटिव होती ही है। 10-20 नंबरों की आपने कर दी नेगेटिव, ठीक है, यहाँ 250 हो रहे हैं और मान लो 25 नंबर की हो गई नेगेटिव, फिर भी 225 तो आपके यहीं हो गए। तो आप इस चीज़ का टारगेट बनाइए, ठीक है, इस तरीके से टारगेट बनाइए, इस तरीके से पढ़िए कि आपका सिलेक्शन इस तरीके से ही हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हिंदी हमारे चैनल पर सर पढ़ा रहे हैं और गणित की वीडियो मेरे द्वारा सुबह 11 बजे आ जाती है, ठीक है। और बात करते हैं रीजनिंग के मैंने आपको आधे से ज़्यादा टॉपिक करा दिए हैं और आधे टॉपिक मैं जल्दी रीजनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार मुझे अपना सिलेबस जल्दी फिनिश कराना है, ठीक है। और रही बात GS की, GS में आपकी पॉलिटी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप अपनी खुद की तैयारी भी कीजिए, हमारे चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, जिससे क्या है कि आगे आने वाले भविष्य में जो एग्ज़ाम होगा रिवीजन आप आसानी से कर पाओगे
और जब रिवीजन आसानी से हो जाता है तो आगे की चीज़ें भी हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।